लीजिए प्रस्तुत है हत्यारे। और अनिल बेटा, तुम ये चाहते हो कि जो आज मेरे रमेश के साथ हुआ कल मेरे इन दोनों बेटों के साथ भी हो जाए, यही चाहते हो ना तुम? ये दूसरों के लिए आप इतनी चिंता कर रही हैं? ऐसा उस रमेश के लिए क्यों नहीं सोचा आपने? आना घर में इतने बच्चे थे, अरे बार बार वही बच्चे बच्चे बच्चे, सब अरे समझते नहीं है यार। माँ, मैं सोचता हूँ मैं आज निकल जाता हूँ। अरे जल्दी क्या है बेटा, रमेश चला गया, तुम यहाँ हो तो तसल्ली है। माँ मैं आपका दुख तो समझता हूँ, पर आप तो जानते हो मेरी नौकरी है, आपको बिजनेस तो है नहीं जो पीछे चार लोग छोड़ूंगा, जितने दिन नहीं जाऊंगा उतने दिन की सैलरी कट जाएगी। नहीं नहीं, और पापा कहीं नौकरी से निकाल दिया तो? अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, जाओ। हाँ पापा जाओ जाओ, और सुनो इसको उर्मिला को भी ले जाओ, बोर हो रही है आपका। हाँ मैं भी तो यहाँ के साथ चली जा रही हूँ। हाँ चलो बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ? मैं भी सोच रहा था कि मैं भी कल घर लौटूं। अच्छा तुम भी जाना चाहते? हाँ पापा जाओ जाओ। इतनी जल्दी क्या है बेटा, तू तो रुक जा। जल्दी तो है ही माँ, बहुत सारा काम पड़ा है, और मेरी कोई परेश की तरह नौकरी तो है नहीं कि छुट्टी मांगू और मिल जाए। या तो एक एक दिन की छुट्टी का मतलब है लाखों रुपए का नुकसान। परेश इसलिए जाना चाहता है कि इसकी नौकरी है, ये सुरेश इसलिए जाना चाहता है कि इसकी नौकरी नहीं है, ये वही पढ़ने के लिए जा रही है। लेकिन शांति, नुकसान तो दोनों का है ना? नहीं माँ, मैं इसलिए भी जाना चाहता हूँ कि मैं जब तक यहाँ रहूंगा आपको याद आता रहेगा कि मैं रमेश के देहांत पर आया, और मुझे यहाँ देखकर आप अपना दुख नहीं भुला पाएंगे। बेटे अब दुख तो है ही, आखिर हमारी संतान था, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि क्या सोचते हैं जी आप, जीते जी तो उसने हमें कोई सुख नहीं दिया, उस दिन और जिंदा रहता तो मुझे उससे कोई सुख की आशा थी नहीं। अरे हमें सुख ना देता, कम से कम खुद तो सुख से रहता। लेकिन जिस दिशा में वो बढ़ रहा था उसे और सुख की कोई आशा नहीं की जा सकती। चलो अच्छा रहा, हमने अपने होश हवास में रमेश के जीवन की पुस्तक बंद होती देख ली, अब ना हमें कोई तकलीफ देगा ना खुद कष्ट पाएगा। कैसी बात कर रहे हैं जी, यहाँ अपना लड़का चला गया और आप कहते हैं चलो अच्छा हुआ, पत्थर का कलेजा है आपका, हमेशा ऐसे ही स्वार्थी रहे हैं, हमेशा ये देखा किससे क्या फायदा हो सकता है, किससे क्या मिल सकता है, अपनी औलादों को भी नहीं छोड़ते। मम्मा बोलने दो इसे, बोलने दो, बोलने से मन की भड़ास भड़ाम से निकल जाती, और जब से इसके बच्चे बड़े हो गए तब से इसकी जबान भी इतनी लंबी हो गई, कतरूंगा किसी दिन, बारीक बारीक करूंगा मैं। मेरे को मेरे बच्चों का बल नहीं होता ना तो आप तो मेरे को मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालने देते। खोलने देने से क्या लाभ है शांति, जिसे इस बात का सऊ ना हो कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। पापा। हाँ बेटे, आदमी बच्चे क्यों मांगता है, मन्नतें क्यों करता है? इसीलिए कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करे, ना कि इसलिए कि माँ बाप का खून चूसे। ऐसी संतान से तो ना संतान हो तो अच्छा। तो आप क्या चाहते थे? रमेश मर जाए, रमेश मर जाते, ये चाहते थे ना आप मर जाए मेरा छोटू। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो फिर से जी जाए और उसका बदला लेते लेते कोई और मारा जाए। पापा। हाँ बेटे। मुंबई से ये पत्र आया। मुंबई से? किसका? पुलिस वालों का। पुलिस का? पुलिस? पापा पुलिस। क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि पुलिस की छानबीन में रमेश की एक डायरी मिली जिसमें किसी वैजंती नाम की लड़की का जिक्र बार बार हो रहा है। वैजंती? हाँ, पुलिस जानना चाहती है कि वैजंती कौन है, कहाँ रहती है, हमने अपने बयानों में अभी तक उसका नाम क्यों नहीं लिया। देखा, हो गया पुलिस वाली का चक्कर शुरू, पुलिस वाले ने ढूंढ के निकाल ली ना कोई वैजंती। अब वो हमें इसी बात को लेकर परेशान करेंगे कि वैजंती कौन है, रमेश का उसके साथ क्या संबंध है। ये लड़का खुद तो चैन की नींद सो गया, हमें पुलिस कचहरी के चक्कर कट पाए। तो अब मैं पुलिस वालों को क्या लिखूं? लिख दो कि हम किसी वैजंती को नहीं जानते भाई, और लिख दो कि हम बहुत दुखी हैं और इस केस से हम और दुखी हो जाएंगे। हाँ बेटा,
तुम उनको लिख दो कि हमको कोई खोजबीन नहीं करवानी, हमको कोई जानकारी नहीं चाहिए। और ये पुलिस वाले होते कौन है, हमारे रमेश के कागज पत्तर छूने वाले हैं? आप क्या समझती है मम्मी की रमेश आपकी जायदाद था? वो जैसा भी था इस देश का नागरिक था। आप ना भी चाहें तो भी सरकार खोज करेगी। अच्छा, इतनी ही कर्तव्य निश्चय तुम्हारी सरकार? सरकार तो जैसी भी है, हम लोग कैसे हैं? कैसे हैं हम? हम पुलिस की सहायता जो नहीं करना चाहते। पुलिस हमसे सहायता की उम्मीद करती है। पुलिस तो हमारे ऊपर शक कर रही है कि हमने वैजयंती नाम की किसी लड़की को अपने घर में छुपा रखा। पापा वे आप पर शक नहीं कर रहे, वो केवल पूछताछ कर रहे हैं और आप इतने नहीं कर रहे। पापा पर ये वैजयंती है कौन? कोई नहीं है। किसी ने जबान